लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि ये मार्केट के अंदर क्या मुझे एसआईपी और एसडब्ल्यूपी, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी ये दोनों बंद कर देनी चाहिए। दोस्तों अभी अगर आपने देखा होगा ना, मार्केट में बहुत सारी हलचल चल रही है। हम लोग इसके ऊपर दो वीडियो बना चुके हैं और मैंने आपको यहां से बताया था, ये लेवल से भी बताया था कि ये लेवल आने वाला है, ये वाला लेवल आया। इसके बाद मैंने बोला था ये लेवल अगर टूटेगा तो ये लेवल जो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये लेवल आ सकता है। आप देखिए एग्जैक्ट यही लेवल से वापस मार्केट बाउंस बैक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहां पर पहुंच के वापस एक बार सपोर्ट लेके हो सकता है कि नीचे भी जाए या यहां से ऊपर चला जाए, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आपने एक चीज तो नोटिस की होगी पिछले 15 दिनों के अंदर कि मार्केट न्यूज से चल रहा है। एक न्यूज आई मार्केट में ऊपर नीचे हो जाता है, कितना पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट का ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ रहा है। बट हमने हमारी व्हाट्सएप चैनल पे एकदम सटीक तरीके से आपको बताया था कि ये मार्केट में घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज हो रही है ये एक करेक्शन है, मार्केट के अंदर एक करेक्शन है, क्योंकि पिछले एक साल से मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है और एकदम अपना हाई बना दिया 86,000 ऑल टाइम हाई। और जब इतना ऊपर जाता है मार्केट, एक छोटा सा करेक्शन तो बनता है, और ये करेक्शन अभी तक जो आया है वो अराउंड 11% का करेक्शन है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर 10-11% से कम का करेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर 11% से ज्यादा का करेक्शन हुआ है, यानी कि अगर आपने 1,00,000 रुपया आपके पोर्टफोलियो के अंदर है और आपका जो पैसा डाउन हुआ है वो अगर मान लीजिए 15,000 हुआ है, 15,000 यानी 15% हुआ है, या 20,000 यानी 20% हुआ है, तो सोचने वाली बात है, क्योंकि यहां पे टाइम आ गया है कि आपको अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है ना बहुत हाई रिस्क में है, बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क में, इसके लिए यहां पे रीबैलेंस कर दीजिए। अभी 11% का करेक्शन है तो आपका पोर्टफोलियो 11% से ज्यादा का करेक्ट नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि ये मार्केट के अंदर क्या मुझे एसआईपी और एसडब्ल्यूपी, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी ये दोनों बंद कर देनी चाहिए, ये आज का टॉपिक है। और आज मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। देखिए यहां पर क्या होता है कि जब मार्केट एकदम टॉप पे जाता है ना, तो उस टाइम पे आपकी एसआईपी बहुत अच्छे से काम करती है और आपकी एसडब्ल्यूपी भी बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन जब मार्केट डाउन होना चालू होता है, जैसे ये डाउन मोमेंटम आया है, इस टाइम पे आपकी एसआईपी बहुत अच्छे से काम करती है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको कम प्राइस में यूनिट मिल रहा है, आप हर महीने थोड़े थोड़े यूनिट खरीद रहे हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मान लीजिए यहां पर आपने कुछ यूनिट खरीदे, यहां पर कुछ यूनिट खरीदे, यहां पर कुछ यूनिट खरीदे, तो आपका जो प्राइस एवरेजिंग है ना वो एसआईपी में चल रहा है। तो आप अगर एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं और इतना बड़ा डाउनफॉल आता है 10-15%, 20%, 25-30% का भी, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप एसआईपी को कंटिन्यू करिए। लेकिन इस केस में एसडब्ल्यूपी उल्टी तरीके से काम करता है, क्योंकि जब मार्केट डाउन जाता है ना तब हमेशा पैसा डालने का टाइम होता है, इसीलिए एसआईपी हर महीने जो आप थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हो वो अच्छे से काम करता है, क्योंकि आप कम पैसे में ज्यादा यूनिट खरीद रहे हो। लेकिन एसडब्ल्यूपी में आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने निकाल रहे हो। अब इस केस में क्या होगा, जब मार्केट डाउन होना चालू होगा, अगर आप यहाँ पे पैसे निकालने चालू करोगे तो आप कम प्राइस पे पैसे निकाल रहे हो, यानी कि आप अपना पोर्टफोलियो का लॉस कर रहे हो। तो एसडब्ल्यूपी वालों के लिए मेरी यही सलाह है कि जब गिरता हुआ मार्केट है एसडब्ल्यूपी को थोड़ा टाइम के लिए बंद कर दीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप थोड़ा टाइम के लिए एसडब्ल्यूपी को बंद करेंगे, आपने मार्केट से पैसा नहीं निकाला, इसका यही एक मतलब है कि आपने मार्केट में पैसा रहने दिया या मार्केट में पैसा आपने डाला, जो एसडब्ल्यूपी वाले हैं। अगर ये पैसा आप निकाल के फिर डालोगे तो यही हो गया ना कि मैंने पैसा डाला, यानी कि मैंने पैसा निकाला ही नहीं, जो पैसा है मेरा उतना ही रखा। और जब मार्केट वापिस बाउंस बैक करके ये लेवल पे आ जाएगा तब से मैं फिर से एसडब्ल्यूपी चालू करूंगा। लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे, सर मैं तो एक रिटायर्ड पर्सन हूं और मुझे तो हर महीने एक्सपेंसेस के लिए एसडब्ल्यूपी चाहिए, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको आपको फॉर्मूला बताता हूं। आप एसडब्ल्यूपी आप इस हिसाब से कर रहे हो ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6% पर ईयर यानी 0.5% टोटल अमाउंट का पर मंथ। अब अगर आप इतना एसडब्ल्यूपी पर मंथ कर रहे हो तो ये जो
6% है ना, इसमें मैंने ये उतार चढ़ाव सब गिन लिया, लेकिन मैं वही चीज बोल रहा हूं कि जो लोगों को पैसे की जरूरत इतनी नहीं है कि हर महीने मुझे सैलरी के टर्म्स में 50,000 1,00,000 रुपए चाहिए ही चाहिए, उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे गिरते हुए मार्केट में एसडब्ल्यूपी को होल्ड कर दीजिए या अमाउंट थोड़ा कम कर दीजिए। अगर आप 50,000 हर महीने निकाल रहे हैं तो उसको 10,000-20,000 कर दीजिए, जिससे आपकी मतलब आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अगर वो आप कर सकते हैं तो इस टाइम पे सबसे बेस्ट रहेगा कि आप वो जो बाकी का 40,000 रुपए है उसको आप रीइन्वेस्ट कर रहे हो और वो आपको ज्यादा रिटर्न देगा, यानी आपका ओवरऑल कॉर्पस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आने देगा। लेकिन वो लोग जिसको हर महीने जरूरत पड़ती ही पड़ती है पैसे की और उतना पैसा चाहिए ही चाहिए, तो आप ये इंश्योर करिए कि 6% साल का और 0.5% पर मंथ, ये आप पैसा इसी हिसाब से निकाल रहे कि नहीं। अगर इससे ज्यादा, मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में बहुत लोग 8% 10% सालाना और कुछ लोग तो 12% भी सजेस्ट करते हैं, यानी महीने का 1% पैसा निकालो ऐसा भी सजेस्ट करते हैं। लेकिन वो लोग यहाँ पर मार खा जाते हैं जब इतना बड़ा मार्केट में डाउनफॉल आ रहा होता है, एक महीने में 10% 5% मार्केट गिरता है, उस टाइम पे उसका कॉर्पस बहुत तेजी से कम होता है। इसी के लिए ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, अगर एसडब्ल्यूपी करना है तो 0.5% पर ईयर, सॉरी पर मंथ, उससे ज्यादा आपको नहीं निकालना, 6% पर ईयर। अगर मान लीजिए थंब रूल बताता हूं, 1,00,000 रुपए ना 500 रुपए पर मंथ, उससे ज्यादा नहीं। आप उसको 10,00,000 कर दीजिए तो 5,000 हो जाएगा, उसका डबल कर दीजिए 1,00,000 कर दीजिए तो 50,000 हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मेरी सिर्फ यही सलाह है, एसडब्ल्यूपी वाले कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन बीच बीच में टॉपअप भी करिए। यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी टॉपअप की, यहां पर 3 लेवल पे टॉपअप के लिए मैंने बताया था, यहां से तो मार्केट ऊपर चला गया है, तो अब आपके लिए चांस है कि नहीं टॉपअप का, वो भी यहां पर समझ लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या सिनेरियो बन रहा है, ठीक है ना, मार्केट यहां से ये लेवल को टच करके सीधा ऊपर चला गया। अब ये लेवल पे फिर से आप यहां पे देखना ये है, अगर ये लेवल ये तोड़ देता, अब ये लेवल कौन सा है मैं आपको अगर एग्जैक्टली बताऊं तो 80,700 का लेवल है आदि बाजू, अगर 81,000 तोड़ दिया ना मार्केट ने, तो यहां पर आप समझ लीजिए कि ये मार्केट अब यहां से भागने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल से अगर वो सपोर्ट लेके वापस नीचे आ गया तो मार्केट और घुसेगा, अगर ये लेवल तोड़ दिया तो ऊपर चला जाएगा। ये व्हाट्सएप चैनल पे मैं बता दूंगा, तो अगर आप हमारी व्हाट्सएप चैनल पे नहीं है तो नीचे में लिंक आपको मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है, वहां पर आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये मार्केट इधर से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो और डिपेंड करेगा न्यूज के ऊपर। अभी मार्केट में या इंडिया में ऐसी कोई चीज नहीं कि जो मार्केट को डाउन कर रही है, लेकिन जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो वॉर चल रही है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है, ये सब के कारण ये हुआ है। लेकिन अगर आज आप देखेंगे ना 9,500 करोड़, पिछले 10-15 दिनों से जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना वो पैसा निकाल ही रहे, लेकिन आज के दिन में फॉरेन इन्वेस्टर ने 9,500 करोड़ रुपए मार्केट के अंदर डाले हैं, इंडियन मार्केट के अंदर। तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि मार्केट यहां से बाउंस बैक कर सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मार्केट यहां से भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ ना और क्रॉस कर दिया, टॉपअप कर सकते हैं। अगर अभी भी आप टॉपअप की अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं तो यहां पर थोड़ा सा टॉपअप कर सकते हैं, यहां से अगर नीचे आता है तो और टॉपअप की अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पर बन सकती है। लेकिन अगर ये लेवल भी मार्केट ने तोड़ दिया तो ये वाला जो लेवल है, ये लेवल मतलब 75,000 से लेके 73,000, ये लेवल पे मार्केट आ सकता है और यहां से फिर बाउंस बैक कर सकता है। अब एसडब्ल्यूपी वालों के लिए बता देता हूं, हमने एक स्पेशल कोर्स डिजाइन किया है एसडब्ल्यूपी के लिए, वहां पर हमने सारी चीज बताई है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो एसडब्ल्यूपी का गाइडेंस चाहते हैं, तो एसडब्ल्यूपी के लिए ना हमने कोर्स पूरा डिजाइन कर दिया, जहां पर ए से लेके जेड तक सारी इंफॉर्मेशन दे दी, पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है कि एसडब्ल्यूपी कैसे की जाती है, कौन से फंड के अंदर करनी है, कितना रुपया निकालना है, टैक्स कैसे सेव करना है, सारी चीज आपको बना के एक कोर्स डिजाइन किया, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां पर मेरा पर्सनल 1-to-1 एडवाइस भी आपको मिलने वाला है। तो अगर आप एसडब्ल्यूपी के ऊपर कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं, A to Z इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, तो आप कोर्स को खरीद सकते हैं। उसके अंदर 4.5 घंटे से लेकर 5 घंटे तक का जो कोर्स कंटेंट है वो है, और उसके साथ साथ एक स्पेशल कैलकुलेटर जो मैंने डिजाइन किया है, वहां पर आप कुछ ही इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आपका पूरा प्लान एसडब्ल्यूपी का बन के निकल जाएगा।
बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से है वो भी मैंने वहां पे बता दिए हैं। तो वो सारी चीज के लिए अगर आप SWP का प्लान, SWP समझना चाहते हैं, अपने लिए SWP बनाना चाहते हैं, आप रिटायर होने वाले हैं, SWP समझ में नहीं आ रहा है, तो कोर्स जरूर बाय कर लीजिए, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता है, या आप अपना खुद का प्लान बनाना चाहते हैं, आप अच्छे म्यूचुअल फंड ढूंढना चाहते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तब भी आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके साथ अगर आपको इस वीडियो के अंदर और कुछ भी सवाल है, मार्केट के अंदर कुछ भी सवाल है, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। इसके साथ व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स मैं वहां पर देता रहता हूं। इस वीडियो में बस इतना ही, और नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।